Hello student, let's see this question. The complete set of value of x satisfying the equation signum x mod 1 minus x is. तो अपन को complete set of value बताने हैं. बच्चों यहाँ पे दो critical point आ रहे हैं. एक तो 0 आ रहा है और एक वो 1 आ रहा है. तो जब केस 1 लेते हैं, जब x less than 0 है, जब x less than 0 है तो signum इससे खुलेगा माइनस वन से, तो माइनस वन और ये भी अपना माइनस अगर ना जीरो है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ खुलेगा, तो वन और माइनस का एक्स ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा. यहाँ से देखें तो ये आ रहा है, एक्स को उधर भेज दें, एक्स इक्वल टू टू आ रहा है. लेकिन अपन ने केस क्या मान रखा है, एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए. तो ये तो अपना यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. केस टू मानते हैं जब x इक्वल टू जीरो है, जब x इक्वल टू जीरो है तब सिग्नम फंक्शन क्या देता है, जीरो देता है. और यहाँ से ये तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो ये वन माइनस एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू वन आएगा. अपन ने मान क्या रखा है, जीरो मान रखा, तो यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. केस थर्ड मानते हैं जब x जो है ना जीरो जीरो से बड़ा है और लेस देन वन है. अगर जीरो से बड़ा है और लेस देन वन है तो सिग्नम फंक्शन वन के साथ खुलेगा, तो वन इक्वल टू और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो एच ई टी खुलेगा, तो वन माइनस एक्स आ जाएगा. तो यहाँ से देखें तो ये वन वन कैंसिल हो गया, x का वैल्यू जीरो आया. लेकिन अपन ने मान क्या रखा है, जीरो तो इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं है. केस फोर देखते हैं. केस फोर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो सिग्नम कैसे खुलेगा, वन जब ये पॉजिटिव है तो वन आएगा, तो ये वन. यहाँ से देखिए अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर देन है तो ये माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस का वन और प्लस का एक्स आ जाएगा. यहाँ से देखे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, टू आ रहा है. ठीक है, टू आ रहा है. तो यहाँ से ये अपन ने मान क्या रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए. तो एक सॉल्यूशन आ रहा है जब x इक्वल टू टू होगा, जाके ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा. तो अपना जो यहाँ से देखे तो x इक्वल टू टू ऑप्शन वन में दे रखा है, तो ऑप्शन वन करेक्ट है. तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया.